ये क्योंकि दोबारा री एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगर आप फर्स्ट ईयर की एडमिशन ले चुके हैं तो आपको नई आईडी क्रिएट करनी होगी। तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आप री एडमिशन कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप कोई फ्रेश से एडमिशन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसका लिंक यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप न्यू रजिस्टर का प्रोसेस आप जान सकते हैं। अभी जो री एडमिशन की डेट जो है स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 30 जून 2022 तक रहती है। अगर आपने री एडमिशन नहीं की है तो आप नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। आगे रहता है प्रोसेस, कैसे आपने री एडमिशन करनी है। जिन कैंडिडेट ने पहले एडमिशन ली है, क्योंकि ये जुलाई का सेशन चला हुआ है, तो जुलाई में जिन्होंने अपनी न्यू एडमिशन की थी और उसको अब सेकेंड ईयर की एडमिशन लेनी है, तो कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस फॉर द न्यू रजिस्टर वाला कॉलम आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इग्नू का जो री एडमिशन का जो प्रोसेस है, उसके लिए आपने यहाँ पे जब ये पेज ओपन हो जाता है, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। तो यहाँ पर आपका पुराना यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं चलेगा। उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आपने नया पासवर्ड नया यूज़र नेम क्रिएट करना है, उसके लिए यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आता है, इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका स्टूडेंट रजिस्टर फॉर्म आता है, यहाँ पे अपना सेलेक्ट प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे BAG करेंगे, आप यहाँ से आप स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, नेम ऑफ द आईडी कार्ड में जो, और आपका जो पहले का जो एनरोलमेंट नंबर है उसको डालेंगे। यहाँ पे ये कोड दिया गया है, इसको आपने टाइप करना है और उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे आपने सबमिट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको OTP आएगा, एक आपके जो रजिस्टर नंबर होगा जो आपने जब एडमिशन ली थी उस पर आएगा OTP, और आपकी जो ईमेल आईडी दी थी उस पर आएगा। उस OTP को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद फिर आपने सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस रहता है, अब आपको अपना नया पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना होगा, जो पासवर्ड यही जो आपने यहाँ पहले टाइम डाला, उसके बाद फिर से कन्फर्म पे करेंगे, वही रिपीट करना है, उसके बाद फिर आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस रहता है, दोबारा से उसी पोर्टल पर आना है, स्टूडेंट पोर्टल पर। अब यहाँ पर अपना यूज़र नेम डालेंगे, जो आपका एप्लीकेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, और जो आपने अभी अपना पासवर्ड क्रिएट किया है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। नीचे जो कैप्चा कोड दिया गया है, सेम टू सेम आपने डालने के बाद फिर आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक हेयर योर कोर्सेज पर आपने क्लिक करना है। यहाँ आगे रहता है, दो ऑप्शन होते हैं, आपको स्टडी मटीरियल चाहिए तो यस पे क्लिक है, अगर नहीं चाहिए तो आपको 15% जो है लेस हो जाएगा। इसके बाद आपके सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से आपने सब्जेक्ट रखने हैं। जो आपके पहले कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे वो पहले ऑटोमेटिक आएंगे, उसके बाद आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का तरीका, यहाँ पे आपने सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे सब्जेक्ट शो हो जाएंगे, उन्हीं में से आपने कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है और उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसी तरह आपने 1x1 आपको 4 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो है ऐड करने होंगे, जो आपके नेक्स्ट ईयर का रहता है। जब आपने पूरे सब्जेक्ट ऐड कर दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पूरे सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आती है कि कौन कौन से आपने जो नेक्स्ट ईयर के लिए सब्जेक्ट रखे हैं, चूज़ किए हैं, वो सारे स्क्रीन में आएंगे और साथ में कोड भी आएंगे, कितने आपके क्रेडिट बनते हैं। अब आप पेज के ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा जितना आपको पे करना होगा। यहाँ पे आपके दो गेटवे आते हैं, एक गेटवे 1 एक गेटवे 2, दोनों में से किसी से भी आप क्लिक करके आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे अपडेट सिलेक्शन कोर्स आता है, इस पर आप क्लिक करके आप अपडेशन भी कर सकते हैं पेमेंट करने से पहले। दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ करें, उसके बाद आपका डायरेक्ट पेमेंट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपके किसी भी बैंक से आप चाहे पेमेंट कर सकते हैं, UPI से, नेट बैंकिंग से, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल है पेमेंट करने के लिए। जब आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाती है तो यहाँ पे आके प्रिंट आउट के लिए ऑप्शन आ जाता है, तो इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जब भी आप री एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो कुछ एक बातें ध्यान में रखें। अगर आपका पेमेंट एक बार कट हो जाता है, दोबारा से आप रीपेमेंट मत करें, उसके बाद 24 घंटे का वेट करें। अगर आपकी पहली पेमेंट सक्सेस या फेल का कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तभी आप दूसरी पेमेंट या फिर अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आपको नई एडमिशन का तरीका जानना है, कैसे आप फ्रेश एडमिशन
जो ऑनलाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए ये वाली वीडियो देखें।